जयपुर में देर रात करीब 8:30 बजे दो मंजिला दुकान 2 सेकंड में ढह गई। हादसे के वक्त दुकान में 3 लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि वे 5 मिनट पहले ही बाहर निकल गए। दरअसल दुकान हिलने लगी थी, उसके बाद तीनों भागकर बाहर आ गए थे। घटना मानसरोवर के पृथ्वीराज नगर की है। यहाँ बेसमेंट की खुदाई के वक्त हादसा हुआ। दुकान के नीचे सैलून चल रहा था और ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम। सैलून चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि पास में 2 दुकानों की जमीन खाली पड़ी है, उसमें 10 फीट गहरा बेसमेंट खोदा गया। बेसमेंट खुदवाने वाले गोपाल सैनी को मना भी किया था, इतनी गहराई में बेसमेंट न खोदे, दुकान गिरने का खतरा रहेगा, लेकिन वह नहीं माना। बुधवार रात करीब 8:30 बजे दुकान में एक कस्टमर अपने बच्चे के साथ कटिंग करवाने आया, तभी दुकान में कुर्सी और अन्य सामान हिलने लगे। इस पर मेरी दुकान में काम करने वाला हेल्पर और दोनों कस्टमर बाहर आ गए। खाना खाने घर गया था दुकान संचालक विष्णु ने बताया कि मैं खाने खाने के लिए दुकान से करीब 100 मीटर दूर घर गया था। इसी बीच हेल्पर का फोन आया कि दुकान की कुर्सियां और सामान हिल रहे हैं, दुकान से चरचर की आवाज आ रही है। मैं बीच में ही खाना छोड़कर वापस गया, तब देखा तो दुकान बराबर आकर गिर चुकी थी। दुकान गिरने के बाद इसकी सूचना जयपुर नगर निगम को दी। निगम की एक टीम आई और बेसमेंट में गिरे मलबे को हटाया। दुकान हिल रही थी, भतीजे को बाहर लेकर भागा। दुकान में अपने भतीजे संग कटिंग करवाने आए सुनील सैनी ने बताया कि जैसे ही दुकान में जाकर बैठे, कुर्सी और सामान धीरे धीरे हिलने लगा। एक बार लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दुकान में कटिंग करवाने वाले ने पहले तो कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन कुर्सी का हिलना बंद नहीं हुआ, हल्की हल्की आवाज आने लगी तो हम डर गए। मैं अपने भतीजे के साथ दुकान के बाहर भागा, कटिंग करने वाला व्यक्ति भी बाहर आ गया। देखते ही देखते पल भर में हमारी आंखों के सामने ही दुकान ढह गई। बेसमेंट वाली जमीन पर आज होना था भूमि पूजन। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस दुकान की जमीन पर बेसमेंट खोदा गया, उसका आज भूमि पूजन किया जाना था, लेकिन इससे पहले यह हादसा हो गया। बेसमेंट खोदने वाली जमीन मालिक गोपाल सैनी के खिलाफ मानसरोवर थाने में शिकायत दी गई है। दुकान संचालक विष्णु सैनी और दुकान के मालिक फुलचंद सैनी ने यह शिकायत दर्ज करवाई है।